वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामी में जो भी स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं, आज हम इस वीडियो में जामिया इस्लामी की ओर से लेटेस्ट में जो भी नोटिस एंड अपडेट्स आ रखा है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जब आप जामिया की वेबसाइट पे जाएंगे तो जो स्टूडेंट डिस्टेंस के थ्रू फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके ये रहा। बाकी यहाँ पे दो बड़े अपडेट देना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट जामिया स्कूल में इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे उनका रिजल्ट आ चुका है और इनके एडमिशन का डेट भी आ चुके हैं। बट एक सवाल ये है कि सेकंड लिस्ट कब आएगा या और इसके आगे क्या होगा। सिंपल सी बात है, क्लासेस होपफुली या तो 1 जुलाई से या 15 जुलाई से स्कूलिंग का स्टार्ट हो सकता है। अभी जैसी जो लिस्ट आए इनका एडमिशन होते, चाहे वो 6 का हो, 9 का हो या 11 का हो, रिजल्ट आप इस लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इन सब में ये भी है कि जो स्टूडेंट का नाम वेटिंग लिस्ट में है, अब सेकंड लिस्ट आएगा और सेकंड लिस्ट का जो डेट है एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ अराउंड 28 जून, जो सेकंड लिस्ट आएगा उसमें वेटिंग लिस्ट वाले जो स्टूडेंट है उनका ही नाम होगा, इसके अलावा अलग से कोई नाम नहीं आएगा। हाँ, एक सवाल होगा कि वेटिंग कितना क्लियर होंगे, तो उस पर एक वीडियोज़ बना दीजिएगा, कैसे क्लियर होते उस पर वीडियोज़ बना दीजिएगा। चलिए, लेकिन अब हम थोड़ा सा यूनिवर्सिटी पर आ जाते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट यूजी पीजी डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा इन सब में दिए हैं उसको लेकर। तो फिलहाल के तौर पे आप जिस भी कोर्स में दिए हो आप यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करेंगे, अगर बैचलर दिए तो बैचलर सेलेक्ट करिएगा, मास्टर दिए तो मास्टर सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है, सॉरी कैप्चा नहीं बल्कि किस सब्जेक्ट्स के लिए दिए थे वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे देखिए, आपने आई थिंक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यानी MHRM यानी M13, जो फिलहाल के तौर पर अभी जो अब तक जामिया ने जो रिजल्ट पब्लिश करा है वो सिर्फ वैसे कोर्स के रिजल्ट पब्लिश किए हैं जिसमें इंटरव्यू होते हैं, तो उसके लिस्ट रेडी हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि जामिया ऑलमोस्ट ज़्यादातर कोर्स का रिजल्ट रेडी कर चुका है, अब रहा सवाल आपके कोर्स का रिजल्ट, तो बहुत जल्द बाकी कोर्स का रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट को लेकर सवाल आ रहे हैं, चाहे वो यूजी कोर्स के अंदर बी ए पॉलिटिकल हो, बी बी कॉम हो, बी एल एल बी हो या बी एफ ए हो, इन सारे कोर्स को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इन सभी कोर्स का रिजल्ट आने वाले मंडे से अपकमिंग सैटरडे तक बहुत सारे कोर्स का रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जो कि इस चैनल पर इन्फॉर्म किया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कोई भी ऐसा डाउट या क्वेरी अगर आप यहाँ सॉल्व नहीं हो पाता है मुझे आप व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू।